मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो चलो फर्स्ट यू नो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर तुम्हारी एंड सोसाइटी की ऐसी वाट लगाऊंगी मैं ना आज. लास्ट में तुम खुद ही सोचोगे कि क्या सच्ची हमारी सोसाइटी की थिंकिंग इतनी गिरी हुई है, हम इतने गिरे हुए हैं या है, वो आपको समझ में आ जाएगी. तो चलो फर्स्ट बात करते हैं आरती से, जिनकी उम्र 14 साल की है और वो घर के काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और खेत का जो भी काम होता है ना, विलेज में रहते हैं तो खेती बाड़ी भी होती है तो उसका भी वो काम करते हैं. सो गाइस, पहले ना मैं उनके भाई से बात करना चाहती हूँ. तो चलो उनको पूछते हैं कि बेटा जी, तुम अपनी बहन को हेल्प क्यों नहीं करते, लाइक घर के कामों में या खाना बनाने में? मुझे शर्म आती है इसलिए मैं कभी बनाया नहीं. लड़के वैसे भी नहीं खाना बनाते, लड़कियां बनाती हैं. सो तुम्हारी बहन कितने सालों से घर का काम एंड खाना बनाने का काम कर रही? मेरी बहन कम से कम 7-8 साल से बना रही. तुम्हारा भाई घर का कुछ भी काम करता है? नहीं. और क्या क्या आप घर का काम करती हो? बस ऐसे ही काम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं. और तुम्हारा भाई क्या करता है? हमारा भाई क्या इधर उधर खाता घूमता है भाई. हम लोग भी घूमना चाहते हैं लेकिन हम लोग घूम नहीं पाते, फिर भी इतना काम करते हैं. हमारे घर वाले हमें कहीं नहीं आने जाने देते और हमारा भाई घर पे खाता घूमता है, हम लोग को घूमने नहीं देते. हमारे कितने भाई हैं? हमारे दो भाई, तीन भाई हैं, तीन बहन. सो तुम्हारा बड़ा भाई क्या करता है? हमारा बड़ा भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई करता है. सो आरती जी, आपको घर का काम और खाना बनाने के लिए कौन बोलता है? हमारी मम्मी पापा. और मान लो कभी आपकी हेल्थ इशू या कुछ भी कारण से अगर आप खाना नहीं बनाए तो मारते हैं. सो गाइस, मैं तो स्क्रिप्ट लिखती नहीं हूँ, सो जो भी बोलूँगी ऑन द स्पॉट आएगा. सो मुझे वो लड़के का ना जेन्युइन बातें बहुत अच्छी लगी, लाइक वो झूठ नहीं बोला, कवर करने की ट्राई नहीं किया कि मैं कभी कभी करता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला. नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे शर्म आती है इसलिए मैं नहीं करता हूँ. वाओ. एंड वो लड़की जब भी काम नहीं करती उसके पेरेंट्स मारते हैं. आपको क्या लगता है, वो विलेज में है तो सिर्फ विलेज वाले की वैसे थिंकिंग होती है? ना बाबा ना, हमें भी करना पड़ता है, हमें सुबह काम करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, फिर शाम में आके भी काम करना पड़ता है. सो मैं क्या सोचती हूँ, ये काम करना बुरी आदत नहीं है, या काइंड ऑफ की पार्शियलिटी इसमें कुछ नहीं है हम लड़कियों के लिए. क्योंकि देखो, अगर आप जिम जाओ या योगा करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो सुबह उठ के, हमारे लिए ये एक्सरसाइज हो जाती है. यहाँ पर पार्शियलिटी आपके साथ होती है. आप लड़कों को ना खाना बनाना नहीं सिखाया जाता, हमको हमेशा बोला जाता है कि तहजीब में रहो, अच्छे से बात करो, एक मैनर में रहो, ये लाइन क्रॉस मत करो, तुम्हें हर एक चीज़ सीखना चाहिए. छोटे छोटे बातों पे ताने मारना कि अगर तुम ऐसी सब्जी बनाओगी तो तुम्हारे सास ससुर गुस्सा करेंगे, हमको ताना मारेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारा हस्बैंड मारेगा, तुम्हारा हस्बैंड गाली देगा. सो इससे हम लोग इतने सहनशील बन जाते हैं ना, सामने वाला बंदा अपन को कुछ भी बोल दे, अपने को लगता है कि ये तो नॉर्मल है. हम लोग उतना हाइपर नहीं होते. दूसरी साइड लड़कों को ना कुछ नहीं ट्रेनिंग दी जाती, कुछ नहीं बताया जाता उनको. उनको अगर सपोज तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, ऐसे सोचो मत, क्योंकि कोई भी मर सकता, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए तो तुम कितने दिन मैगी पे जियोगे? सो उनको इतना नहीं सिखाया जाता कि बेटा खाना बनाना सीख लो, एटलीस्ट तुम तो खुद बना के खा लोगे. नहीं, अदर थिंग इज दैट कि हमको इतने अच्छे से काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है हर एक चीज़ में, दबा के रखते हैं, जिससे हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम दूसरे के ऊपर चिल्ला सकें. अगर कोई हमको कुछ बोल दिए तो हम उनको कुछ उससे भी डबल वे में जवाब दे सकें. लेकिन लड़कों को क्या बोला जाता है, तू लड़का है तू रो नहीं सकता, तू लड़का है तू सांड है, तो सांड है तो सीन तो मारेगा ही. तो होता ये है कि ये ट्रेनिंग ना दी जाती है, उसके वजह से रेप बढ़ रहे, उसके वजह से ये लड़के खुद को क्या समझ रहे हैं. अगर लड़की
अगर तू गाली दे रहा लड़की इन रिटर्न गाली दे तू हाथ उठा देगा, तू उसको मार देगा। ये लोग अपनी मम्मी तक को नहीं छोड़ते रहे, सच्ची बोल रही। अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया तो ये लोग मम्मी के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। और बोलते हो क्या, इसको बोलते हैं संस्कार। सो, लड़कियों को क्या बोला जाता है, एक पीरियड स्टार्ट होती है, मतलब 12 साल की उम्र में भी। तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स ना लड़कियों को बता देते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा पीरियड स्टार्ट हो गया है, तुम लड़कों से दूर रहना, मेरा नाक मत कटाना, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वो डायलॉग कभी लड़कियों पर बोले हो तुम लोग, मतलब लड़की को बोलते हो मैं तेरे पे ट्रस्ट करता, तू किसी को हर्ट नहीं करेगा, तू किसी को मारेगा नहीं, तू किसी को पीटेगा नहीं, किसी को गाली नहीं देगा, कभी लड़कों को बोला नहीं चाहता है कि मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तू मेरा नाक नहीं कटाएगा। इसीलिए शायद लड़कों को, आजकल के लड़कों को ये कायका की ईगो है, उन लोग किसी का भी अगर एक छोटा डायलॉग बोल दे उस पर हाइपर हो जाना, और उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती है यार, उनको स्ट्रेस हो जाती है एंड सुसाइड। सच्ची बोली, लड़कियों को कभी ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं आता है, तुम लोग गूगल सर्च कर लो, लड़कों को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उनको होता है ना कि लाइफ की ट्रेनिंग हमको मिलती है, लेकिन लाइफ की ट्रेनिंग हमको ऐसे मिलती है ऐसे सर्वेंट गिरी, कि तुम किसी के घर जाओ तो उनको ऐसे सर्वेंट बन के रहो। सो, अगर तुम पेरेंट्स अगर अपने लड़कियों को सेम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो ये जो भी रेप होता है, जो भी क्राइम होता है, मैं क्या सोचती हूँ, वो तुम्हारी वजह से होता है, पूरा क्रेडिट सिर्फ तुमको ही मिलना चाहिए। क्यों, तुम्हारे तो लड़कियाँ भी हैं, क्या लड़कियाँ वैसे करती हैं, तुमको सेक्स का वो काइंड ऑफ केमिकल लोचा नहीं होता है क्या? सो स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने सराउंडिंग में बहुत लोगों को देखा है, लड़के क्या चिकनी चिपड़ी बातों में लड़कियों को फंसाते हैं, सो कॉल्ड जस्ट GF का टैग देती हैं एंड एक डायलॉग बोलती है, बेबी डोंट यू बिलीव मी, लेट्स हैव अ सेक्स। ओके, वो अगर कर भी लें तो उनको एक साइड में सेफ गार्ड रहता है, उन लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये तो ऐसे GF में चला रहा एंड कैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे बेचेंगे अच्छे खासे रेट में। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बेचते हैं, तुम्हें नीलाम करते हैं, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही। और अगर कोई बोल रहा ना ये टाइम पे वैसा कुछ नहीं हो रहा, तो बेटा नहीं, 90% लोग इंडिया में दहेज लेते हैं। सो नीलाम करते हैं यार तुम्हें, और वो भी स्टार्टिंग रेट कुछ 2 लाख का रहता है। अगर तुम इंटरमीडिएट तक पढ़ के हो और कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हो, तो आपका ही रेट कुछ 3 लाख होगा। सो ऐसे रेट लगते हैं, और रेट लगाने के टाइम पे भी उन लोग लड़कियों को पहले जज करते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी रहनी चाहिए। थोड़े लोग तो बोलते हैं हमको पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्शन करेगी, हमको चाहिए गरीब सी लड़की जो अच्छे खासे 3-4 लाख दहेज दे दे बस है, और वो लड़की हमारी ना सेवा करती रहे बस है, ठीक है। दहेज ऐसे रेट बढ़ते जा रहा। कुछ ही दिन की बात है, मेरे एक भैया आए थे, कजन भैया, मेरी जॉइंट फैमिली है, वो आए थे एंड वाज सेइंग कि ये 3 लड़की है, ये मुझे इतना दहेज दे रही, ये मुझे इतना दहेज दे रही, ये इतना, मैं किसको चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि लड़की को देख के चूज़ कर लो ना, दहेज देख के क्यों चूज़ कर रहे। तो एक टॉपिक आई, मेरे एक दीपक भैया हैं, वो भी कज़न, सो उनका क्या है, उनके फैमिली नहीं है, तो वो बिना दहेज लेके शादी कर रहे खुद का। तो पूरी मेरी जो रिलेटिव्स है ऐसे चढ़ रहे उनके ऊपर कि ये पागल हो गया, दहेज नहीं ले रहा। मैंने बोला वो खुद को बेच नहीं रहे, तुम लोग खुद के बच्चों को बेच रहे। तो उनको इतनी मिर्ची लगी, मेरी एक बुरी आदत है या अच्छी आदत बोल दो, मेरे को ना पीछे बात करने नहीं आती, अगर तुम गलत बोल रहे हो तो ऑन द स्पॉट बोल देती। सो मिर्ची क्यों लगती है तुम्हें, तुम जो लड़के को बड़ा करते हो छोटे पर से, वो उसके पैसे तो लेते हो ना उसको बेच के, और तुम लड़के इतने महान होते हो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, मर्द बोलते हो सो कॉल, खुद के पेरेंट्स को बोल नहीं सकते कि मुझे नीलाम मत करो, मुझे बेचो मत, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको कमा के दे दूँगा। और जो बोलते हैं ना लड़कियों को लिए देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लड़कियाँ वो अर्न करती हैं, वो 6th क्लास से उनको काम कराया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको हर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तेरा हस्बैंड मारे तो चुप, तेरी सास गाली दिए तो चुप, कुछ भी हो जाए तो चुप, दैट्स इट, तुम्हें और कुछ। और ये रियलिटी है बेटा, मैंने मेरे कुछ डिग्री फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मतलब थोड़े की मैरिज हो गई जो मेरे एज की हैं, एंड उनकी साथ हुआ है,
लड़कियों को पार्शियलिटी में बोलूँ ना, ट्रेनिंग ही होती है यार। तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से लड़कियाँ आज शहरी हैं, लड़के आज सांड बन के घूम रहे हैं, और ये सांड बन के घूम रहे हैं ना, उससे तुम्हारी लग रही है, तुम्हारी बेटी की लग रही है, जो भी हो। लेकिन वो जो दहेज देते हैं, अगर मैं पूछूं कि मुझे दे दो, मुझे स्टार्टअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे खुद के करियर पे लगाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो बोलेंगे नहीं बेटा, आगे पढ़ के क्या करेगी। ऐसे बंदों को देंगे जो बंदा को जानते भी नहीं है, और दहेज देने के बाद भी कुछ झगड़े होते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, मारते हैं। अगर वो लड़की घर आ जाए अपने, तो पेरेंट्स इतने ईजिली बोलते हैं कि हमने तो अपना बेस्ट दिया, हमने तो अपना इधर उधर जुटा फुटा के काइंड ऑफ कर्जे लेके तेरी शादी करा दी, दहेज दे दी। उधर का गिल्ट, इधर का गिल्ट, लड़की को ही लगता है कि हमने इतने कर्जे ले ले के तेरी शादी कराए, हमने बोला कि तुम लोग दे कर्जे लेके हमारी शादी कराओ। नहीं, एक ही डायलॉग कि बेटा जा उधर ही जी, उधर ही मर, ससुराल ही अब तेरा घर है। मतलब वो लोग मारे तो भी चुप, कुछ भी बोले तो भी चुप। रिसेंटली हुआ ये था कि अगर तुमको लगता है कि मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन ऐसा बोल रही, तो नहीं, मैंने रियल में भी हमेशा मैं स्टैंड लेती हूँ। लाइक बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो एक कजिन ब्रदर है, वो झगड़े करे समथिंग, तो मैं उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि वो गाली दी। लाइक झगड़ा होता है ना, तो पहले तुम गाली दी तो बंदी को भी गुस्सा आएगा ना, एक हद पार हो गए तो गाली देगी। तो गाली दी तो इनको लड़के वाला ईगो, इन्होंने उसको मारा। मैंने बोला देख भैया, उसने गाली दी, तूने गाली दी, बात ख़त्म, तुमने मारा क्यों? तो वो क्या बोल रहे, मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो लड़की है। मैंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कि तू भी लड़की है, तू भी थोड़ा औकात में रह। मैंने बोला बेटा हमारी औकात तो हमको दिखाओ मत, मेरी इतनी औकात है ना, मैं कि दूसरी की औकात जरूर दिखा दूँगी। अगर मुझे कोई झापड़ मारे तो मैं उसका हाथ पैर दोनों तोड़ूंगी पहले तो। सो लड़कियाँ, तुम लोग सहनशील बनते हो ना, इसके चक्कर में तुम्हारे साथ और लगती है यार, तो उतना सहनशील मत बनो। इट्स नॉट लाइक मेरे सराउंडिंग में जब से छोटी हूँ ना, तब से देखती आ रही हूँ कि ऐसी ही हो रहा है। छोटे पर से लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, एक मैरिज के नाम से। छोटे पर से 5 साल की बच्ची रहे तो ही बोलती है इसके लिए ये लड़का है, उसके लिए वो लड़का है। कभी तुमने उसके पढ़ाई के बारे में बोला है, कभी उसके करियर के बारे में बोला है? नहीं, ग्रेजुएशन हुआ नहीं, पूजा तेरे लिए भी लड़का ढूंढते हैं। पूजा के पापा 4-5 लाख तो तैयार है ना। क्या तुम लोग जो बोलते हो ना, हमको ना शर्माते नहीं है, हमको जब वो गुस्सा अगर बाहर आ गया ना, तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे बंदे। सो जो भी हो गाइस, मैं क्या बोल रही कि स्टैंड लो लड़के, तुम स्टैंड लो। मतलब तुमको मालूम है ये गलत है, तुम्हें बेचा जा रहा है, पर तुमको समझ में नहीं आ रहा। सो खुद के पेरेंट्स को बोल नहीं सकते कि पापा जी हमको बेचो मत, जो भी आपने हमको पढ़ाया लिखा इतने बड़े करे, तो अगर आप उसके पैसे ही लेना चाहते हो तो मैं दूंगा आपको कमा के ना, आप क्यों दूसरे से पैसे ले रहे हैं मेरे लिए। और लड़कियाँ, तो इसी स्टैंड लो यार। अगर देखो अगर आपकी शादी जल्दी हो जा रही, तो आप जॉब कर रहे, दिन घर का काम आप खुद अकेले नहीं करना चाहिए। इक्वालिटी की बात है, देखो फाइनेंशियली आप इक्वली पैसे दे रहे घर में, तो घर का भी काम उसको इक्वली करना पड़ेगा। तू चपाती बना तो वो राइस बनाएगा, तू सब्जी बना तो वो दूसरे काम करेगा। दैट्स इट, मतलब इक्वालिटी दोनों साइड में रहना चाहिए। मुझे समझ भी नहीं आता, मेरी मम्मी बोलते हैं कि पूजा तुझे ना हर एक काम करना पड़ेगा, तू जॉब करेगी तो तुझे बाहर का भी काम करना पड़ता, घर का भी काम करना पड़ता, बच्चे भी पैदा करना पड़ता, बच्चे पैदा करने के बाद तुझे अपना करियर का शट डाउन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात पे गुस्सा आता है, इक्वालिटी तो देते नहीं हो। जब तुम्हें बेबी प्लानिंग करते हो, तो उसमें भी लड़की को पूछते नहीं हो मैं प्रोटेक्शन यूज़ करूँ या ना करूँ। नहीं, तुम लड़की के करियर का बिल्कुल नहीं सोचते। एक होता है सो कॉल बटर अप ही बोल सकते हो, 2 साल काम करने देते हो, फिर बेबी हो जाने के बाद बोलते हो कि अब हो गया ना तुम्हारा, तुम जो काम करना चाहती थी कर लिए, अब बेबी संभालो और घर संभालो। क्यों हमारी कुछ नहीं रहती है कि हमको साबित करना, हमको खुद को प्रूफ करना है कि हमारी लाइफ भी कुछ है, हमारे अंदर भी कुछ है बोल के। और
बहुत सारी कंपनी भी ऐसी होती है जो अच्छे पोस्ट नहीं देंगे, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी भी है ना तो लड़की को वो पोस्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदी शादी करेगी, इसके बच्चे होंगे तो क्या होगा, वो एक साल वो पोस्ट के लिए वेस्ट हो जाएगा इसका। सो गाइस, बोलते हैं ना जब जगे तब सवेरा, तो अभी आप लोगों का जगने का टाइम है, क्योंकि ये ऐसे ही कंटिन्यू मत करो यार। क्यों, मतलब अभी जो भी अपन के जनरेशन में है वो एटलीस्ट यू नो, आपके अगर दो बच्चे हैं तो दोनों को इक्वालिटी दो। इट्स नॉट लाइक यू नो बोलने की बात की मेरे लिए लड़की और लड़का सेम है, क्या लड़की और लड़का सेम है बेब, लाइक तुम लोग लड़कियों को 5:30 बजे उठाते हो, पूरा काम कराते हो, लड़कियों को 8 बजे उठाते हो, वो उठाते भी नहीं हो, दिन भर सोते ही रहते हैं, एंड क्या मैनर्स की बात बोलते हो, तुसी सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग देते हो, लड़कों को कुछ नहीं देते हो। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि तुम लोग दोनों को ट्रेनिंग दो, देखो उसके बाद उतने क्राइम रेट नहीं रहेगा। एंड अदर थिंग इज दैट कि लड़कियाँ खुद के लिए स्टैंड लो, सच्ची बोल रही, खुद के लिए स्टैंड लो। अगर तुम खुद की लाइफ को ना प्रायोरिटी नहीं दोगे तो तुम दूसरे के लिए भी जियोगे ना तो वो क्या बोलेगा, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। तो बंदे को रियलाइज़ कराओ कि अगर मैं बाहर का काम कर रही, फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट कर रही, देन यू शुड सपोर्ट मी इन किचन टू। एंड लड़के, सच्ची बोल रही, तुम्हें अगर स्टैंड लेना नहीं आ रहा, तुम्हें अपने पेरेंट्स को बोलने नहीं आ रहा कि मुझे मत बेचो, देन वीडियो दिखाओ, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब सच बोले तो मैं खुद की बाप की नहीं सुनती, तो तुम्हारे बाप लोगों को कहीं को सुनूंगी। सो गाइड्स, इट इज़ लाइक यू नो, बोलते हैं ना कुछ वीडियो बनाए जाते हैं व्यूज़ के लिए, कुछ वीडियो बनाए जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं व्यूज़ ही देखूंगी, क्योंकि मैंने स्टैंड लिया है, मेरे को जब जब टाइम मिला मैंने स्टैंड लिया है। मैंने सोचा है कि एटलीस्ट यू नो कुछ लोगों को रियलाइज़ हो, एंड हुआ भी है। जिसको रियलाइज़ होता है गिल्ट फील करते हैं, और गिल्ट ऐसी चीज़ है ना दैट कैन मेक यू, अदरवाइज दैट कैन ब्रेक यू। सो अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, अगर तुम बोल दिए तू गलत कर रहा, तो उसको यू नो माइंड चेंज हो सकता है, वहाँ पे चांसेस है। तो तुम लोग ये वीडियो देख के बोलोगे ठीक है अच्छा बोली अच्छा है ब्ला ब्ला ब्ला, फिर यहाँ पे रुक जाओगे ना बाबा ना, इसको शेयर करो एटलीस्ट यू नो। तुम लोग स्टैंड नहीं ले सकते, तुम लोग हम लोग यू नो स्टैंड मतलब हम लोग माइक लेके रोड पे तो बोल नहीं सकते, स्टैंड मतलब हम लोग खुद के लाइफ में स्टैंड ले सकते कि हाँ हम लोग मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के साथ वैसा नहीं करूँगी, मैं प्रायोरिटी फर्स्ट मेरे गोल को दूंगी, मैं खुद को बेचने नहीं दूंगा काइंड ऑफ। लेकिन सिर्फ खुद के बारे में सोचना वो तो सेल्फिश हो गई ना, लाइक अब ये वीडियो शेयर करो और दूसरे को भी रियलाइज़ कराओ कि बेटा तुम जो भी कर रहे हो वो गलत सोच है, तुम अपना माइंड चेंज करो। अगर वो बंदा सच्ची इंसान होगा तो माइंड चेंज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो अफेक्ट होगा ही। सो मैं काउंट करूँगी ये इसके व्यूज़ के ऊपर कि कितने व्यूज़ आए और कितने लोग सोचते हैं कि सोसाइटी सही में बहुत गंदी है, उनको उसमें चेंजेस लाने बहुत ज़रूरत है। तो चलो देखते हैं ये वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.